हेलो डियर पेरेंट्स, कैसे हो? जय माता दी। आज मैं आपके साथ आपके घर के नन्हे मुन्ने प्यारे से बेबी के लिए एक और हेल्दी सैरले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यकीन मानिए, इस हेल्दी सैरले को खाने से आपके बेबी को भरपूर मात्रा में एनर्जी मिलेगी, आपके बेबी की हड्डियों की मजबूती बनी रहेगी, आपके बेबी को कभी भी कब्ज की समस्या नहीं होगी और आपके बेबी को गैस की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और साथ ही साथ अगर आपके बेबी का वजन नहीं बढ़ रहा है और बेबी रात को आपको उठकर परेशान करता है तो वो समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इस हेल्दी सैरले को बनाना तैयार करते हैं। गैस की फ्लेम ऑन करते हुए गैस के ऊपर पैन रख लिया है। गैस की फ्लेम मीडियम कर लेंगे। अब एक मीडियम साइज कटोरी के बराबर पोहा ऐड कर लेंगे। 10 से 15 हम मखाने ऐड कर लेंगे और 6-7 हम काजू ले लेंगे और 6-7 हम बादाम ले लेंगे और थोड़ा सा हम पम्पकिन सीड ऐड कर लेंगे। करछी से अच्छे से मिक्स करते हुए 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम में सारी चीज़ों को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, इस हेल्दी सैरलेक को बनाकर अपने बेबी को देंगे तो आपके बेबी को यह हेल्दी सैरलेक बहुत ही पसंद आएगा। तो यहाँ पर 1 मिनट लगभग हो चुका है, सारी चीज़ें अच्छे से भूनकर रेडी हो गई है। अब गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे। फटाफट से एक सर्विंग बॉल ले लेंगे और सर्विंग बॉल में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे और अच्छे से 10 से 15 मिनट तक ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सारी चीज़ें अच्छे से ठंडी हो चुकी है। काजू, बादाम और मखानों को हम अच्छे से तोड़ लेंगे ताकि पीसते समय आसानी हो। अब इसके बाद एक मिक्सी ग्राइंडर का जार ले लेंगे और सारी चीज़ों को ऐड करते हुए फाइन सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। आप देख रहे होंगे दोस्तों, कितना फाइन सा पाउडर बनकर तैयार हो गया है, बिल्कुल भी छानने की ज़रूरत नहीं है। अब एयर टाइट कंटेनर ले लेंगे और जो हमने सैरलेक का पाउडर बनाकर तैयार किया है ऐड कर लेंगे। और दोस्तों, इस पाउडर को आप अपने बेबी को ट्रैवल के टाइम पे भी दे सकते हैं और 10 से 15 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इस हेल्दी सैरलेक को बनाना तैयार करते हैं। अब हमने गैस के ऊपर एक पतीला रख लिया है। 3 छोटे चम्मच हम सैरलेक का पाउडर ऐड कर लेंगे और 100 ml के करीब पानी ऐड करेंगे और 50 ml के करीब हम दूध ऐड कर लेंगे। अब हमने 1 खजूर जिसकी गुठली निकाल ली थी 10 से 15 मिनट तक भिगो के रखा था ऐड कर लेंगे और करछी से अच्छे से मिक्स करते हुए गैस की फ्लेम ऑन करते हुए गैस की फ्लेम मीडियम कर लेंगे और सैरलेक को 10 से 15 मिनट तक अच्छे से कुक होने देंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, ये हेल्दी सैरलेक आप जो बाहर का पैकेट वाला सैरलेक लेते हैं उससे काफ़ी सस्ता भी पड़ेगा और काफ़ी हेल्दी भी है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों, जो अच्छे से है सैरलेक में उबाल आ रही है। बीच बीच में आप करछी से चेक भी करते रहिएगा ताकि जो सैरलेक है पतीले के तले में बिल्कुल भी ना चिपके। यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों, सैरलेक में अच्छे से गाढ़ापन आ चुका है। आपका बेबी जितना गाढ़ा सैरलेक खाता है आप उस हिसाब से बनाकर तैयार भी कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, अब गैस की फ्लेम बंद कर लेते हैं। अब इसके बाद दोस्तों, हमने आधा केला ले लिया है, अच्छे से फॉक से मैश कर लेंगे और सैरलेक में ऐड कर लेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, जो सैरलेक का टेस्ट है वो दोगुना हो जाएगा और आपके बेबी को सैरलेक और भी पसंद आएगा। बस अब सैरलेक को ठंडा करने के बाद हम अपने शिशु को सैरलेक खिलाने के लिए रेडी कर लेते हैं। अगर दोस्तों आपके बेबी ने सॉलिड फूड खाना स्टार्ट कर दिया है तो आप इस सैरलेक को किसी भी टाइम अपने बेबी को बनाकर दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरे द्वारा बताई गई हेल्दी सैरलेक की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आसानी से मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।